हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो दिस इज द पार्ट सिक्सथ ऑफ टी वाई बी कॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम सी क्यूज तो ऑलरेडी हैव अपलोडेड फाइव वीडियोज ऑन दिस एंड पांच वीडियोज से आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हुए रहेंगे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आपके साइड से मिल रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसके बारे में भी एम सी क्यूज डालिए सर तो ये सारे आपको एम सी क्यूज मिलने वाले हैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा उस बेसिस पे मैं एमसीक्यूज को अपलोड कर रहा हूँ तो आपको ये सारे एमसीक्यूज की पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगी टेलीग्राम का चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है लास्ट मिनट रिविजन भी दा रहे सेम सारे पी को कंबाइंड करके एक साथ सेंड कर रहा हूँ तो अलग अलग पी आपके पास कन्फ्यूज ना हो आपको इसलिए सारे पी को एक साथ ही भेजूंगा तो स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ सी क्यूज द डिविडेंड declared बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन बिटवीन टू two AGM is regular रेगुलर डिविडेंड फाइनल interim dividend डिविडेंट या एक्स्ट्रा डिविडेंड तो ऐसा कौन सा डिविडेंड है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में डिक्लेयर करते हैं रेगुलर डिविडेंट है फाइनल इंटरम या एक्स्ट्रा डिविडेंड तो जो साल में एक बार डिविडेंट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंट जब कभी कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स होता है तो कंपनी डिविडेंड देता है और वो डिविडेंड दो एजीएम के बीच में दिया जाता है विच इज कॉल्ड एस इंटरिम डिविडेंड तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटरिम डिविडेंड थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ध्यान से एन असेट विल बी कॉल्ड एस करंट असेट इफ करंट असेट कब माना जाएगा इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन ट्वेल्व मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट

सिमिलरली अगर करंट लाइबिलिटीज के बारे में पूछे तो करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो एक साल के बाद आप पेमेंट करोगे एक साल के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी दैट विल बी करंट पड़ेगीटी और करंट अट ऐसी asset होती है जो मंथ्स के अंदर अंदर आप उसका रियलाइजेशन कर लोगे तो दैट इज द पॉइंट और राइट आंसर है इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन ट्वेल्व मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट नंबर थर्ड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज अ करंट लाइबिलिटी करंट असेट पिक्टीश असेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटी तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगर रहेगा तो उसे हम नॉन करंट लाइबिलिटी मानेंगे तो ये आपके फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में से एम सी क्यू बन सकता है क्वेश्चन नंबर फोर इफ असेट्स आर रीवैल्यूड अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड तो अगर असेट्स रीवैल्यूड हुए हैं तो इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट होगा असेट अगर रिवैल्यूड हुए हैं तो इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा इनमें से जो अकाउंट डेबिट होगा दैट विल बी अकाउंट अकाउंट ठीक है तो आपका यहां पे डेबिट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बाय बैक ऑफ शेयर इंक्रीजेज द बाय बैक ऑफ शेयर से क्या इंक्रीज होता है प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वैल्यू ऑफ द कंपनी गुडविल ऑफ द कंपनी या ईपीएस ऑफ द कंपनी तो मैंने आपको जब बाय बैक ऑफ शेयर्स का बेसिक लेक्चर बताया था या बेसिक लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि बायबैक ऑफ शेयर्स की वजह से कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज होता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं बायबैक का बेसिक लेक्चर पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है ध्यान से देखें जो भी चैप्टर्स में आपको डाउट्स है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन हो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हो एवरीथिंग आई हैव कवर्ड ओवर देयर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं तो बेसिक बेसिक लेक्चर भी देखोगे तो आपके एम सी क्यूज वहाँ से बन जाएंगे तो बायबैक ऑफ शेयर्स की वजह से आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ेगा द जर्नल एंट्री फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड इज तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था सिंपल रूल बताया था कि इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के चैप्टर में जब कभी भी पेड वर्ड आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में जब कभी भी पेड वर्ड आएगा पेमेंट पेड तो हमेशा आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा व्हेनेवर वी हैव बैंक इन द जर्नल एंट्री एंड वेन एवर वी सी द ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन में अगर पेड वर्ड आया तो बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा ऐसे याद रखो तो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन में बैंक डेबिट तो ये कट हो गया थर्ड ऑप्शन में बैंक है ही नहीं वो भी कट हो गया अभी ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर लास्ट बचता है तो ऑप्शन नंबर वन में भी बैंक क्रेडिट है ऑप्शन नंबर लास्ट में भी बैंक क्रेडिट है लेकिन इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में जो भी एक्सपेंसेस पेमेंट होते हैं वो एक सेपरेट अकाउंट के थ्रू पेमेंट होते हैं एंड द सेपरेट अकाउंट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो इसका राइट right आंसर बनेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो सिक्स नंबर का जो जर्नल एंट्री है

लेस देन थर्टी फाइव परसेंट लेस देन थर्टी परसेंट या लेस देन फिफ्टीन परसेंट तो देखो सिंपल है बड़े ऑप्शन से आप कन्फ्यूज हो जाओगे तो मैंने आपको बताया था कि बाईबैक हम पच्चीस परसेंट एक पच्चीस परसेंट वाला रूल और आफ्टर बाय बैक अगर देखें तो डेट इक्विटी रेशियो टू इस टू वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो बाय बैक जो है वो कितना होना चाहिए ट्वेंटी फाइव परसेंट बाकी अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया फिर भी परसेंटेज देखो ट्वेंटी फाइव परसेंट वाला ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर एट थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पार्ट है इसमें इफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स इज वन लैक एंड क्रेडिटर्स आर फुल्ली सेटल्ड बाई पेवन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ टेन ईच देन वैल्यू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन इज देखो ऐसे केस में आपको चैप्टर का बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए अनलेस एन अंटिल यूर बेसिक्स इज क्लियर यू कैनॉट अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आप गलत करके आओगे तो इसलिए देखो ऑप्शंस में नहीं पढ़ रहा हूं मैं आपको पहले वो क्वेश्चन का जो बेस है वो समझा रहा हूं देखो क्रेडिटर्स की वैल्यू है लाख लाख और 1 ,00 ,00 का क्रेडिटर्स की वैल्यू थी हमने उनको सेटलमेंट कर दिया और सेटलमेंट करते वक्त हमने उनको सेवन थाउजेंड इक्विटी शेयर्स दिए टेन के तो सेवन थाउजेंड इंटू टेन करोगे तो वैल्यू आएगा सेवेंटी थाउजेंड मतलब एक लाख रुपए का पेमेंट करना है और आपने पेमेंट उनको इक्विटी शेयर्स से किया सिर्फ सत्तर हजार तो एक लाख में से सत्तर हजार आपने पेमेंट किया आपके लिए तीस हजार का प्रॉफिट है और इस चैप्टर में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर होता है और यहां पर पूछ रहे हैं कि वैल्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन कितना है तो एक लाख में से सत्तर हजार माइनस करोगे तो आपका राइट आंसर आएगा तीस हजार थर्टी थाउजेंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो इट्स वेरी सिंपल बट यू हैव टू सी द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन नंबर नाइन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट मार्केट वैल्यू या कैपिटलाइज वैल्यू तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो या डिविडेंट ऑन शेयर्स हो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू तो फेस वैल्यू को ही हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं नाम से कन्फ्यूज आपको नहीं होना है क्वेश्चन नंबर टेन लास्ट क्वेश्चन कंसोलिडेशन ऑफ शेयर रिजल्ट इन तो दो है हमारे कंसोलिडेशन एंड सब डिविजन ध्यान से पढ़ के रखना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर से है वहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर रिजल्ट इन प्रॉफिट फॉर द कंपनी लॉस फॉर द कंपनी नो चेंज इन द बैलेंस शीट इंक्रीज इन शेयर कैपिटल तो कंसोलिडेशन से वैल्यू कम होती है तो इसलिए प्रॉफिट तो हो नहीं सकता तो राइट आंसर इसका है लॉस फॉर द कंपनी दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले उसका बेनिफिट आप ही को मिलने वाला है आपके एग्जाम तक काफ़ी सारे एम आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ जिससे आपके सिर्फ एम ही नहीं आपके कंसेप्ट रिवाइज हो मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर ये एम आएंगे क्या पेपर में देखो बच्चों एमसीक्यू से आपके कंसेप्ट रिवाइज होने चाहिए कंसेप्ट रिवाइज होंगे तो पेपर में कोई भी एमसीक्यू आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा थैंक यू वेरी मच एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर